ये दो भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये ब्रो को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग से भी उम्र ज्यादा है लेकिन बहुत फिजिकल फिटनेस अच्छा है उसका गाइस। ओ माय गॉड चैनल और आप लोग देख रहे हैं एलबी ब्लॉग्स। सो गाइस दो तीन दिन हो गया ब्लॉग नहीं ले पा रहा था क्योंकि बहुत बारिश दे रहा था। आज मौसम भी ठीक ठाक है और अभी हम लोग के साथ मतलब दो भाई आ जाएगा और आपको दिखाने वाला है गाइस। यहाँ पे मेरे साथ में है मिधु पवन ब्रो मेरा बड़ा भैया और यहाँ पर है नुकुल ब्रो। हेलो हेलो कैसे हाल सब। और अभी ये बड़ा भैया और मैं हम लोग बोगामाटी पिकनिक स्पॉट में जाने वाला है गाइस। तो ये ब्रो इसका मतलब रॉयल इनफील्ड बाइक से जाएगा। बहुत मस्कुलर रख रहे है भाई को। और जिस जगह में हम जा रहे हैं ना वो तो बहुत ही फेमस जगह है असम का और बोरोलैंड का। तो भाई आप लोग भी आइए और घूमिए ना हमारे प्लेस को, बहुत अच्छा लगेगा भाई। और ये भाई का मतलब यूट्यूब चैनल है जो उसका मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूँ गाइस। तो आप लोग चेकआउट करना गाइस। तो अभी हम लोग थोड़ा देर बाद अभी हम लोग बोगामाटी पिकनिक स्पॉट में जा रहा हूँ तो आप लोग देखते रहना गाइस। Do you remember how you held me then? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नुकुल ब्रो रॉयल इनफील्ड बाइक को चलाएगा और उसके बाद पीडीएन सीट में मिधु पवन ब्रो उठेगा और मैं मेरा बाइक P3 को चलाएगा गाइस। आप लोग देखते रहना गाइस बिना स्किप करते हुए वीडियो को। ओके ब्रो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाला है गाइस। तो गाइस काफ़ी एक्साइटेड हो आज मतलब पहले बहुत बार गया है बोगामाटी में लेकिन आज पहली बार ब्लॉगिंग लेने के लिए जा रहा हो तो इसलिए बहुत एक्साइटेड हो गाइस। गाइस मेरा मतलब क्या बोलो अभी थोड़ा मतलब फिजिकल फिटनेस भी मतलब फिजिकल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं मतलब ज़्यादा पकेगा नहीं आज, थोड़ा सा बुखार हो रहा है। तो आप लोग देखते रहना गाइस वीडियो को। गाइस और ज़्यादा दूर नहीं है आज, मौसम भी ठीक ठाक है लेकिन गाइस मौसम का बात है क्या बोल सकते हैं, अभी कभी ठीक भी हो सकता है कभी ख़राब भी हो सकता है, मौसम का बात है मालूम नहीं चलता है। आई होप कि मतलब मौसम आज ठीक ही होगा। तो गाइस अभी मतलब हाईवे में पहुँच चुका है गाइस अभी हम लोग और इतना भी दूर नहीं है तो वीडियो को देखते रहना गाइस। ये साइड में आप लोग देख सकते हैं पूरा चाय पत्ती है गाइस। एक्साइटेड है ना जाने के लिए? ठीक है अभी और ज्यादा दूर नहीं है ना ब्रो हा? और ज्यादा दूर नहीं है ना? नहीं, अच्छा ठीक है। और 4 किलोमीटर है अभी और ज्यादा दूर नहीं है बोल रहे हैं ब्रो भी।
मैं गाइस ज्यादातर बाहर में रहता है, इसलिए गाइस मैं ज्यादा मतलब लोकेशन मतलब पता नहीं है, लेकिन मैं आया है बोगामाटी में बहुत बार। गाइस मैं वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं बनाएगा, डायरेक्टली मिलता हूँ आप लोग को बोगामाटी पिकनिक स्पॉट में। गाइस हम लोग को पहुंचने वाला है बोगामाटी पिकनिक स्पॉट और 2 किलोमीटर है गाइस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना बड़ा सांप गाइस, शायद हम लोग का लक अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा सांप दिखाई है गाइस। चला गया कैमरा में कैप्चर हो पाया कि नहीं वो मालूम नहीं गाइस। दो सांप देख लिया क्या? ओ माय गॉड, दो सांप देख लिया गाइस आज, मालूम नहीं क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा भाई, जो होगा अच्छा ही होगा ना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव क्या भाई, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। सो गाइस अभी आगे तक जाता हूँ, भाई बोल रहा है कि दो सांप देख लिया। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुका है बोगामाटी पिकनिक स्पॉट। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बोगामाटी पिकनिक स्पॉट का गेट। ओ माय गॉड, कितना बड़ा गेट है यार। ओ गाइस यही है बोगामाटी पिकनिक स्पॉट का गेट, तो शायद यहाँ पे अभी हम लोग को गेट पास लेना पड़ेगा ना नुकुल भाई। ओ माय गॉड, पहले ऐसा गेट नहीं था लेकिन अभी बनाया है नया गेट। टिकट काटना पड़ेगा, पर बाइक में मतलब 50 रुपया लेता है बोल रहे हैं क्या? पर बाइक और आदमी का, एक बाइक और एक आदमी का 50 रुपया, और अगर 4 व्हीलर ले आते तो 150 रुपया शायद। अच्छा, पर भैया बता देंगे ना। हाँ ठीक है, आप बोल दिया ठीक है। हाँ ठीक है गाइस, अभी टिकट काट लिया तो अभी हम लोग जाने वाला है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाला है गाइस। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोगामाटी में। लुक एट द व्यू गाइस, हर जगह मतलब हिल्स ही हिल्स एरिया है गाइस। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यस ब्रो, ये दो भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या बोल रहे हैं? जय बोरो हरिणी, जय आयो होम। यहाँ पे हम लोग गाड़ी को पार्क कर लिया है कि नहीं ब्रो? अभी हम लोग तुरंत बुद्ध मंदिर देखने के लिए जाने वाला है यार। बुद्ध मंदिर देखने के लिए जाएगा ना, आप लोग भी चलो हमारे पीछे पीछे। ओके, हम लोग ऊपर में जाने वाला है गाइस। गाइस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं लेकिन बहुत थक गया है ना ब्रो? हाँ भाई, प्रैक्टिस नहीं है ना हमारा, तो थोड़ा माने पैदल चलने से हमारा थकान आ जाता है भाई। अच्छा गाइस ये ऐसे आप लोग व्यू देख सकते हैं, काफी अच्छा है, बहुत थक गए यार। और कितना ऊपर होगा मालूम नहीं गाइस, लेकिन हार नहीं मानेगा, ऊपर तक जाएगा हम लोग गाइस। ये ब्रो को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग से भी उम्र ज्यादा है, लेकिन बहुत फिजिकल फिटनेस अच्छा है उसका गाइस। ओ माय गॉड, फाइनली अभी हम लोग ऊपर में पहुंच चुका है। ओ भाई क्या ब्रो, बहुत थक गया भाई, जितना एनर्जी था मेरा 100% का 70% ऑल्सो गोइंग, मैंने ऑलरेडी गोइंग, तो क्या बोलूं भाई। ओहो
लेकिन हम लोग से भी इसका जो स्टेमिना है बहुत ज्यादा है शायद, इसलिए पहले पहले आ गया दौड़ के। और पीछे में नुकुल ब्रो है, ये तो क्या बोलेगा अभी। तो गाइस ये है बोगामाटी पिकनिक स्पॉट, और आप लोग देख सकते हैं ऊपर से नजारा बहुत काफी सुंदर है गाइस। और उस तरफ जो पहाड़ देख रहे हैं ना, उसके बाद मतलब वो पहाड़ पार करने से ब्रो वो भूटान मिल जाएगा ना। हाँ भूटान मिल जाएगा। अच्छा तो गाइस बहुत अच्छा लगा ये इधर में आके। ब्रो उधर में ज्यादा मत जाओ नहीं तो गिर जाएगा यार। नहीं गिरेगा यार, डर लगता है यार। लुक एट द व्यू गाइस। गाइस इधर में सीजन लेके मतलब इधर में क्या होता था मतलब जो जिप लाइन होता है, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा शायद, और 20-30 दिन के बाद यहाँ पर जिप लाइन और राफ्टिंग ऐसा वगैरह एडवेंचर एक्टिविटीज हो ना वो सब आ जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है यार। हम लोग मतलब बोगामाटी का जो मतलब एक फेमस मतलब टेम्पल है उसको दिखाने वाला है, बुद्ध टेम्पल। बुद्ध टेम्पल गाइस बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। आप लोग देखते रहना गाइस वीडियो को बिना स्किप करते हुए गाइस। ब्रो और थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा ना टेम्पल को देखने के लिए। हाँ टेम्पल को देखने के लिए पूरा जंगल जंगल है ना। जंगल भाई, अभी तो यार मौसम वो मौसम मानसून का मौसम है ना अभी, तो थोड़ा जंगल हो जाता है ना। अच्छा देखने में भी मजा आता है भाई, कितना ग्रीनी हो गया ना, देखो ना कितना ग्रीनी हो गया। मजा ही कुछ अलग होता है लाइफ में, ऐसा फीलिंग्स लेना चाहता है यार, लेना चाहिए ऐसा फीलिंग्स है ना। और बादल देखो ना यार कितना अच्छा लग रहा है यार, बादल को देखो। आज मौसम भी साथ में दे रहा है ना ब्रो। हाँ ब्रो अभी थोड़ा आगे तक जा रहा हूँ गैस, वो आगे में है बुद्ध टेम्पल, उसको दिखाने वाला है अभी गैस आप लोग को। सो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुद्ध का टेम्पल, देखो गैस कितना बड़ा है। गाइस अभी इधर में मतलब इतना भी खास जगह नहीं है, लेकिन यही था मेन जगह जो है यहाँ का, जो बुद्धा टेम्पल है गाइस यही है। तो ब्रो इधर में आके कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है भाई। और एक बात बता दूं आपको कि खास का मतलब ये तो आप लोग जानते हैं कि ये है एडवेंचर प्लेस, और जानिए आप लोग ये पिकनिक प्लेस है, तो यहाँ पर ज्यादा टेम्पल वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए। और जो नेचुरली ब्यूटीफुल है ना ये पहाड़ वगैरह और नद नदी साथ में, यार भाई क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगता है भाई यहाँ पे आके। और सीजन में तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई, अभी तो ऑफ सीजन है ना, तो मतलब दिसंबर जनवरी दिसंबर जनवरी में तो इतना आदमी होता है ना यहाँ पर, मैंने पैदल ये क्या बोलूं भाई पैदल माने तो इतना ही है गाइस। और थोड़ा देर बाद अभी हम लोग जाने वाला है गाइस घर में, तो इतना ही है गाइस, थोड़ा सिनेमेटिक वीडियो बनाता हूँ अभी, तो टिल देन बाय बाय गाइस।